Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Guys, आज मैं आपके साथ एक travel vlog लेकर आई हूँ आप सबके लिए और हम लोग सोकालो आए हुए हैं. और guys, अगर आप मेक्सिको आएँ और सोकालो ना जाएँ तो मुझे लगता है कि it's mean कि आपका विज़िट बिल्कुल बेकार गया है, क्योंकि मेरे ख़्याल से सोकालो एक देखने लायक जगह है. trust me, बहुत खूबसूरत है, historical place है जो कि 1325 century में build हुआ. तो गाइस, अभी हम लोग जो हैं मेट्रो ट्रेन के बेसमेंट में हैं और जहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं उन्होंने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, और बिल्कुल इसी जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगी. और आज का वीडियो जो है आप लोगों ने एंड तक देखना है. मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए, स्पेशली इतने दूर में बच्चों को लेकर गई साथ में, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर व्लॉग बनाया जाए और आपको भी इन्जॉय कराया जाए. घर बैठकर आप इन्जॉय करें और मेक्सिको का डाउनटाउन. और आपको आई एम श्योर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको नई नई चीज़ें नई नई जगह देखने को मिलेगी. तो मेरे साथ रहिए. अभी जो हम जा रहे हैं इस जगह का नाम है सोकालो, और सोकालो है जी मेक्सिको का डाउनटाउन. और ये अभी आप जो मॉडल देख रहे हैं ये सारा इसी जगह का मॉडल है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं. और मुझे तो गाइस सोकालो बहुत ज़्यादा पसंद है. यहाँ एक बहुत कदीम और बहुत ख़ूबसूरत देखने लायक एक इंग्लेसिया है. इंग्लेसिया मतलब चर्च है. और इस इंग्लेसिया के इर्द गिर्द सारे बहुत सारे जो हैं शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं. गाइज़ हम लोग जो है वो सोकालो में पहुंच चुके हैं. इसको यहाँ पे इस एरिया को सेंट्रो भी कहते हैं. और आज है गाइज 30 अक्टूबर, और कल क्योंकि हेलोवीन है और हम लोग आए हैं हेलोवीन से एक दिन पहले, क्योंकि हेलोवीन वाले दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है. गाइज़ ये क्योंकि मेक्सिको का जो मेन सेंटर है और यहाँ पर आपको हर वक्त जो है ना वो गहमा गहमी लगी रहती है. यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं और सारे जितने भी इनके ख़ास इवेंट्स होते हैं यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. और आज भी ये लोग जो हैं वो हेलोवीन की तैयारियों में लगे हुए हैं. और आपको जगह जगह बहुत सारे जो हैं ऑफेंडर्स नज़र आएंगे. ऑफेंडर्स मीन के ये लोग जो वो सजाते हैं अपना हेलोवीन का जो एक ख़ास किस्म का इनका जो टेबल्स होते हैं वो लोग इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको जो है डेकोरेट किया होता है. और यहाँ पे गाइस बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं वक्फे वक्फे से. साल में कोई भी इनका ख़ास इवेंट जब आता है तो यहाँ मेन सेंटर के अंदर जो है काफ़ी दफ़ा मैंने कॉन्सर्ट वगैरह भी देखे हैं. यहाँ पर अक्सर ये जगह जो है कॉन्सर्ट्स के लिए भी यूज़ की जाती है, और इसी तरह की रौनक यहाँ पर लगी रहती है. इसीलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं. यहाँ पर कोई भी आकर बोर नहीं होता, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं हमें एंटरटेन करने के लिए. आप सोकालो में आए तो आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर स्ट्रीट्स में आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटरटेन करते हुए नज़र आएंगे. और हर कोई अपना टैलेंट शो कर रहा होता है, कोई मैजिक कर रहा होता है, तो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई गाना गा रहा होता है. और यहाँ पे कुछ लोग आपको ब्लैक मैजिक करते हुए भी नज़र आएंगे. जी हाँ, और सोकालो की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है वो है सोकालो का आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है. गाइज़ यहाँ पर आपको ना सिर्फ मेक्सिकन नज़र आएंगे बल्कि मेक्सिकन्स के साथ साथ आपको टूरिस्ट भी नज़र आएंगे. और अभी यहाँ पर हेलोवीन की तैयारियाँ उरूज पर हैं, क्योंकि कल हेलोवीन है और इनका दिया दे मोर तो है मतलब हेलोवीन. आगे चलो आसान
जरा आगे देखो और अभी गाइस ये लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों का जो एक स्पेशल किस्म का डांस होता है जिसको कहते हैं डांसा एस्टेका, ये लोग उसके लिए बहुत मशहूर हैं। और इनका आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं अजीबोगरीब किस्म का, और मैं जो है इनकी फ़ोटो लेने वाली थी और इनको काफ़ी एतराज़ था कि नहीं आप ऐसे फ़ोटो नहीं ले सकती, आपको फ़ोटो लेने के लिए पे करना पड़ेगा। सो मैंने फिर जो है क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था और मुझे इनकी फ़ोटोज़ भी लेनी थी, क्योंकि आप देख रहे हैं इन्होंने पता नहीं क्या कुछ सर पे लगाया हुआ है, और इनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत से हैं और बड़ी कोई डिफरेंट सी चीज़ थी। और बच्चों को क्योंकि काफ़ी डर लग रहा था इन लोगों से तो मैंने उनके साथ तो पिक्चर्स नहीं ली, लेकिन उन लोगों की पिक्चर मैंने ले ली। और इस तरह से ये लोग जो हैं डांसा एस्टेका के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं सोकालो में। और गाइस यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से वन ऑफ़ द बेस्ट जो है ये ट्रेन नुमा एक बस होती है, जिसमें लोग जो है बैठकर अपना जो है टूर एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे जो है पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि साथ में जो है वो पिक्चर्स भी लेनी थी और मैं चाह रही थी कि बस जो चीज़ें आप पैदल चल के जो एक्सप्लोर करते हैं ना उसका एक अपना ही मज़ा है। और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत सारी गोल्ड शॉप्स भी हैं। और अभी गाइस जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं ये सेंट्रल स्क्वायर का कॉरिडोर है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और गाइस यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, लोग यहाँ पर आकर बहुत चिल करते हैं, बहुत ही जो है एंजॉय करते हैं, खाना पीना भी साथ साथ चल रहा होता है और बहुत ही मज़ा आता है। ट्रस्ट मी, यहाँ आकर आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते, क्योंकि आपको एक के बाद एक नई चीज़ देखने को मिल रही होती है और एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है इस ट्रस्ट मी। अभी हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जो कि इंडिया टाउन के नाम से मशहूर है। और इस रेस्टोरेंट में गाइस मैं पहले दो बार आ चुकी हूँ, एक बार मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई थी और सेकंड टाइम जो है मैं अपनी बहुत अच्छी मेरी दोस्त है हम लोग आए थे, हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की थी सोकालो से और फिर वापसी पे हमें इतनी भूख लगी तो हमने सोचा कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, और फिर हमें अचानक से ये रेस्टोरेंट नज़र आया, इंडिया टाउन के नाम से है ये जगह। और यहाँ पर आपको इंडिया से रिलेटेड हर तरह की चीज़ नज़र आएगी आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में। और सेकंड फ्लोर में जो है इन्होंने इंडियन ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं, ज्वेलरी है और बहुत कुछ है, इंडिया के ही सारे आइटम्स हैं इनके पास। तो अभी हम लोग जो है थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है इनका, तो आप भी हमारे साथ चलिए। गाइस जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए, मेरे बेटे का पहला सवाल था, आप लोगों ने सुना होगा, उसने सबसे पहले पूछा कि मामा ये हलाल है रेस्टोरेंट, यहाँ पे हलाल खाना मिलता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई और ख़ुशी भी हुई, क्योंकि बच्चों को पता है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाते क्योंकि हलाल खाना नहीं मिलता, लेकिन इस रेस्टोरेंट में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है वो टोटल वेजिटेरियन है यहाँ पर। और गाइस इस रेस्टोरेंट का जो था ना इंटीरियर वो बहुत ही खूबसूरत था, और मज़े की बात थी कि रेस्टोरेंट के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ था जो कि मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। और बच्चे पहले भी एक बार आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन बच्चे काफ़ी छोटे थे और उनको याद नहीं है कि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल एक देसी माहौल सा बना हुआ था और इनका सेटअप भी बिल्कुल देसी स्टाइल का था। और मुझे जो है वो शिद्दत से मेरी फ्रेंड की याद आ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पर तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। और गाइस वो दिन इसलिए भी यादगार है क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड्स के बग़ैर जो है इतनी दूर घर से बाहर आए थे और अकेले थे, हम लोगों के साथ तीन बच्चे थे, मेरी खदीजा तब नहीं थी, फातिमा और अजान थे। और
और दो बच्चे मेरे थे और एक उनकी बेटी थी मेरी फ्रेंड की. और इसी तरह जो है सारा दिन गुजरा हमारा. हम लोगों ने ट्रस्ट मी बड़ा इन्जॉय किया था. और थोड़ी सी मुश्किल भी हुई थी क्योंकि तीन बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा इन्जॉय किया था हम लोगों ने. मेरी वो जो फ्रेंड है वो मेक्सिको में पहले रहा करती थी, लेकिन अब जो है वो जर्मनी में मूव हो चुकी हैं. और हम लोगों ने 4 साल एक साथ गुजारे और ट्रस्ट मी वन ऑफ़ द बेस्ट डेज इन माय लाइफ. बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने. 4 साल कैसे गुजर गए बिल्कुल पता ही नहीं चला. और अभी गाइस मैं जो है वो मेन्यू चेक कर रही थी और मेन्यू के अंदर काफ़ी सारी वेजिटेरियन डिशेस थी और काफ़ी सारी दालें थी, सब्जियां थी, लेकिन मुझे एक जगह सीख कबाब नज़र आए. तो मैंने सोचा कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो सीख कबाब कैसे यहाँ पर हो सकते हैं. लेकिन फिर जब मैंने पता किया वेटर से तो पता चला जी कि ये सोया के जो है सीख कबाब बने हुए हैं. और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही, इससे पहले कभी नहीं खाए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फ़र्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं. तो आई एम श्योर कि ये मज़े के होंगे. और ट्रस्ट मी जब हमने ये खाए तो बहुत ही मज़े के थे. फर्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किए सोया का, कभी सुना भी नहीं कि सोया के भी सीख कबाब बनते हैं. लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़े के थे और बहुत मज़ा आया. ये फील नहीं हो रहा था कि ये सीख कबाब मटन या फिर चिकन के होते तो ज़्यादा मज़ा आता. सोया के कबाब भी बहुत मज़े के थे. और अभी हम लोग जो है वो खाना खा चुके हैं और अब जो है बस बिल पे करेंगे और जाके देखते हैं कि बाहर क्या क्या सीन है. क्योंकि हम जब आए थे तो तब दोपहर थी और अब जो है आई थिंक रात हो चुकी है गाइस. सुकालों में टाइम कितनी जल्दी गुजरता है ट्रस्ट मी पता ही नहीं चला. तो सामने ही गाइस मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम थी और बच्चे आइसक्रीम देखे और ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता. तो फिर हम लोगों ने वहाँ से आइसक्रीम ली. और क्योंकि मौसम जो है वो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. और ट्रस्ट मी जो मैंने बाहर के नज़ारे देखे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. दिन में कुछ और नज़ारे हैं, रात के टाइम कुछ और नज़ारे हैं और बहुत ही सब कुछ अच्छा लग रहा था. लाइटिंग में ये बिल्डिंग्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी. और यहाँ पर मुझे जो है चलते चलते एक होटल नज़र आया और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अंदर चली गई. और अंदर जाते ही जी मैंने देखा तो ट्रस्ट मी मेरे तो होश ही उड़ गए. मुझे लगा जैसे मैं किसी पैलेस में आ गई हूँ. और जल्दी से मैंने फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दी और साथ ही जो है मुझे उन लोगों ने मना किया कि आप यहाँ पर जो है फ़ोटोज़ या वीडियोस नहीं बना सकते, तो ये अलाउड नहीं है, हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो प्लीज़ आप जो है मत बनाएं. लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जल्दी जल्दी में जो है दो तीन फ़ोटोज़ ले ली. और ट्रस्ट मी मुझे इतना अच्छा लग रहा था और क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये जो होटल है वो बाहर से इतना खूबसूरत है और इसके रूम्स कितने खूबसूरत होंगे. तो मैं सारा वक्त यही सोचती रही. और फिर फ़ोटो शुक्र है कि मैंने ले ली थी. और अभी जो है हम लोग यहाँ से बाहर आ गए हैं और ट्रस्ट मी गाइस देखें आप कितनी खूबसूरत पिक्चर्स है ना. ये मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही सुकालो है. अभी दिन में कुछ और नज़ारा था और रात में बिल्कुल एक डिफरेंट नज़ारा और बहुत अच्छा लग रहा था. और अभी गाइस टाइम हो गया है घर जाने का क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं. और हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग इतनी देर तक रुकेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी बिल्कुल टाइम का एहसास ही नहीं हुआ और इतनी रात हो गई. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इतनी देर यहाँ पर रुके, क्योंकि अगर हम जल्दी चले जाते तो इतना खूबसूरत नज़ारा जो रात का सोकालो का है वो हम लोग मिस कर देते. तो मुझे बहुत खुशी है और मैंने बहुत मज़े की फ़ोटोग्राफी की. ट्रस्ट मी मुझे लगता है ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट पिक्चर्स हैं जो मैंने सोकालो की ली. और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना खूबसूरत सोकालो रात के वक्त इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि मैं हमेशा जो है यहाँ पर दोपहर के वक्त में ही आई हूँ और ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी रात
यहाँ पर गुजरने का मुझे मौका मिला और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट पिक्चर्स हैं जो मैंने अपने मोबाइल से ली और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। तो आई होप कि आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा जितना कि हमें आया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।